बलरामपुर जिला के जनपद पंचायत वाड्रफ नगर के ग्राम पंसरा मा उद्यान विभाग के परिसर मा लाखों रुपए के लागत ले लगाए गए पौधा देखरेख के अभाव मा सूख गए है। 3 बच्चर पहली मनरेगा के तहत 16 लाख रुपए के लागत ले फलदार पौधा लगाए गए रही, लेकिन उकर ठीक ढंग ले रखवाली नहीं करे जाए मा और पानी के कमी हो के कारण सबो पौधा सूख गए है। देखो हमारी रिपोर्ट। लाखों रुपया खर्च करके उद्यान विभाग के परिसर में पौधा लगाए गईस और बकायदा चौकीदार के भी नियुक्ति करे गईस और आज एक भी पौधा वहाँ नहीं देखे ला मिला थे। देखरेख में अभाव और पानी नहीं मिले के सेती सबो पौधा मृत हो चुके हैं। चौकीदार के मानी तो पानी बर दूर बोर करे गए रहीस, लेकिन बोर में पानी नहीं आए के कारण पौधा मन के ए हाल ही रहा है। उसके वजह से आलू का पौधा और जितने पहले पौधा लग चुका है, जामुन का पौधा है, आम का है, वो सब पाला के वजह से आजकल मर रहा है। बताया जा रहा है कि पानी के अभाव से पूरा पौधा मर गया है। हाँ, पानी भी कम है, यहाँ बोर तो 2 ठो है लेकिन बोर में सही सलामत पानी नहीं है, थोड़ा थोड़ा निकलता है। अभी कितना पौधा होंगे? अभी तो पूरे प्लाट में पौधा लगा हुआ है लेकिन आधा से अधिक मर चुके हैं पानी के अभाव में। हाँ, पानी और पाला के वजह से। मामला में कलेक्टर है कहीस के पौधा के रखवाली में लापरवाही बरते गए हैं, एक हरसे थी उनखर ए हाल हो गए हैं। कलेक्टर हा मामला में जांच करके दोषी मन के खिलाफ कार्यवाही बर बात करी है। निश्चित तौर पे पौधे यदि लगाए गए हैं और अभी सरकारी परिसर है तो पौधे ना मरे, ये उस विभाग के अधिकारी और कर्मचारियों की जिम्मेदारी बनती है। जहाँ तक पानी का प्रश्न है, पानी के पानी का ट्रांसपोर्टेशन यानी पानी का पेड़ों तक पहुंचाने के लिए ड्रिप लगाई जाती है या पाइपलाइन रहता है, कई बार फ्लड इरिगेशन होता है, कई बार जो है पाइपलाइन के माध्यम से सिंचाई होती है। लेकिन तो सर ऐसा वहाँ पे कुछ भी नहीं है। पेड़ यदि लगाए गए हैं तो मैंने समझता अभी तो इतनी गर्मी भी नहीं है, ये क्या उसके मोर्टेलिटी का कारण क्या होगा? उद्यानिकी विभाग के पतराम साहब हैं, कोई कृषि के वरिष्ठ अधिकारी लोग आए हैं, शायद आज चले गए थे, कल TL बैठक है, इसमें मैं पूछता हूँ। क्योंकि ये निश्चित तौर पर पेड़ यदि लगाया गया है और वो यदि उद्यानिकी कि परिसर में यदि इस तरह की मोर्टेलिटी हो जाती है तो इसको हम उचित नहीं कह सकते और कुछ ना कोई लापरवाही होगी। पेड़ को बचाता है शासकीय अधिकारी के स्तर पर, यदि इस तरह की यदि कमजोरियां और कमी दिख रही है तो चिंता का कारण है। मैं निश्चित तौर पे जो आपने बात रखी है उस पर हम लोग कल उप संचालक उद्यानिकी से पूछ परख करके यदि कोई दोषी होगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी करेंगे।